हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट के, आइए देखते हैं चेंजेस क्या आए हुए हैं। पहले अगर ड्रॉप डाउन बनाते थे तो किस तरीके से बनाते थे, और अब कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आप अगर गूगल शीट में ड्रॉप डाउन बनाने जाएंगे तो किस तरीके से बना पाएंगे, उसी के बारे में आज देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से गूगल को ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहीं से हम गूगल शीट देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ, ये गूगल ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ से जाएंगे हम, और नीचे आपको मिल जाता है गूगल शीट, ठीक है। आप सीधा भी गूगल शीट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पर क्लिक करेंगे शीट पर, और ये आ जाएगी गूगल शीट, ठीक है। अब ये गूगल शीट आ चुकी है, इस पर क्लिक करेंगे, और ये ऑनलाइन डेटाबेस है 15 GB का, जो गूगल ड्राइव के अंदर सेव रहता है आपका डेटा। और आपको कहीं से भी आप ईमेल आईडी अपना लॉग इन करके इसे एक्सेस कर सकते हैं, फायदा यही है इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया, गूगल शीट ओपन हो गया है, और इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में सुविधा होगी थोड़ी। तो यहाँ से जूम करूंगा, ये हो गया जूमिंग, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ कैसे ड्रॉपडाउन कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, ये लिखा रोल नंबर कर देते हैं रोल नंबर। तो ये रोल नंबर हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, ये हो गया इस तरीके से। और फिर सब्जेक्ट 1 2 ऐसे कर लेते हैं, सब्जेक्ट 1 2, और इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लेंगे तो सारे का हम निकाल पाएंगे। तो ये हो गया इस तरीके से, 5 सब्जेक्ट के नंबर आ गए। अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल हो गया। सवाल यही है कि ड्रॉप डाउन बनेगा कैसे। तो मान लीजिए कि इतने एरिया में हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, अच्छा नाम भी लिखना है, ठीक है। तो अब पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, और यहाँ पे एंटर करता हूँ 2 लिखता हूँ, ठीक है। और यहां से पकड़ के इसको ड्रैग कर देता हूं ताकि ये रोल नंबर यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। अब इतने एरिया में हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, सवाल यही है। तो यहां पे डेटा टाइप पे आप जाते हैं, और डेटा टाइप पे जाने के बाद आपको कहां जाना होता है, डाटा वैलिडेशन पे जाना होता है। अब डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद ये सिनेरियो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। तो आपको करना क्या, ये एड रूल्स दिया, यहाँ पे जाइएगा ना तो ये दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। और नीचे आपको एडवांस ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवांस ऑप्शन पे फिलहाल अभी आपको नहीं जाना, यहाँ पर आना, ये ऑप्शन 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो भी आप ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, जो भी नाम लिखना चाहते हैं, यहाँ पर पहले था कि कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते थे, लेकिन गूगल शीट में ये चेंजेस आ गए और आसान हो गया। अब यहाँ पे जो भी नाम देंगे वो यहाँ पे आता जाएगा। अनदर आइटम पे जाइए, जितना आपको ड्रॉप डाउन बनाना हो यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मैं नाम टाइप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये उमेश हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर अगला नाम आएगा तो यहाँ पे राकेश कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे राजेश कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मोनू कर देता हूँ, MONU। और यहाँ अनदर नेम, अनदर आइटम नेम पे चलते चले जाएंगे तो ये होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे योगेश कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर डन करिएगा तो बस यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपकी बन चुकी है। देखिए कैसे बन चुकी है, यहाँ पर जाइएगा तो ये देखिए सारे नाम आपको डिस्प्ले होंगे। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, तो इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर सारे ये नाम मैंने इंसर्ट करा दिए हैं, ठीक है। और ये ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका है, और उम्मीद करता हूँ ड्रॉप डाउन कैसे बनता है ये बात समझ में आई होगी। अब हो सकता है कि कोई नाम रिपीट हो रहा हो तो आप रिपीटेड नाम को भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई एक नाम, ऐसा थोड़ी ना है कि एक क्लास में एक नाम से दो बच्चे नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये हमने कर दिया इस तरीके से। अब ये तो हो गया ड्रॉप डाउन, यहां से आएंगे और यहां से क्या करेंगे, यहां से हमको रैंडमली नंबर्स की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर रैंडमली नंबर्स हम लेके कैसे आएंगे, तो यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला जैसे आप एक्सेल में लगाते हो ना वैसे यहां पर भी मिल जाता है, ठीक है। और यहां पर आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं, तो यहां पे हम लगा के दिखाते हैं कैसे लगाना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया रैंड बिटवीन, और ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर देकर के एंटर कर दीजिए, यहाँ पर ये आ गया। तो ये एक नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, लेकिन ये चूंकि रैंडम है और ये बार बार चेंज होते रहेंगे तो इनको चेंज ना हो, देखिये कैसे चेंज होगा। ये यहाँ पर है, अब देखिए 67 दिख रहा है ना, ये हाईलाइटेड पोर्शन को देखिएगा, यहाँ पर एक वैल्यू को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए यहाँ 67 दिख रहा है। अभी हम काम करेंगे तो यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह जैसे आप लगाते हैं तो चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब 4 हो गया, देख रहे हैं ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये चेंज ना हो इसके लिए आपको जरूरी है कि इसको फिक्स करिए। फिक्स कैसे करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, और यहाँ से सीधा चले जाइए पेस्ट स्पेशल पर, और इसे बना दीजिए वैल्यू ओनली। वैल्यू बन जाएगा ये, अभी तक तो फॉर्मूला था, अब ये वैल्यू बन गया तो अब दिक्कत नहीं करेगा ये। देखिए यहाँ पर
यहां पर क्लिक कीजिए और अब डबल क्लिक कीजिए, अब बिल्कुल चेंज नहीं होगा ये, तो ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। और ड्रॉप डाउन बनाना इतना आसान है, ठीक है, गूगल शीट में, ठीक है ना। अब इसको सेलेक्ट करके और यहां से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये बॉर्डर इस तरीके से लगा सकते हैं और बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हैं। तो कलर कैसे बदलेंगे, तो यहां से जाकर के जो भी कलर आप देना चाहें यहां से दे सकते हैं, जैसे रेड देना चाहें रेड दे दीजिए। अच्छा, इस कलर की चौड़ाई मोटाई ये सब बढ़ाना चाहते हो तो यहां से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, डबल है, डबल लाइन वाला ऐसे देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको गूगल शीट पे मिलती है और काफी, हमको लगता है कि गूगल शीट एक्सेल के मुकाबले काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं कोई भी स्प्रेडशीट, तो आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप गूगल शीट को प्रीफर कीजिए, ठीक है, क्योंकि गूगल शीट ज्यादा बेटर है अन्य के मुकाबले, ठीक है। यहां से देखिए, ये कलर भी चेंज हो जाएगा, तो सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छे से इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी गूगल शीट के अंदर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ गूगल शीट किस तरीके से काम करना है इसमें ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो देखिए कितना आसान हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे आप ए बी ई आर ए जी ई लिखते हैं, सारी चीजें ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पर देखिए, आपको सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ये सीधा यहाँ पे एवरेज में ये सी टू से लेके जी टू तक सेलेक्टेड आ रहा है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज ऑटो कैलकुलेट हो गया, देख रहे हैं ऑटो कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो ये इनेबल फिल हैंडल है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, सबका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पेंटर दिया गया है, तो ये देखिए फॉर्मेट को कॉपी करना, ये फॉर्मेट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, इस फॉर्मेट को कॉपी करना है तो यहाँ पे जाइए क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे चला दीजिए, ये फॉर्मेट पेस्ट हो गया। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से आप गूगल शीट में बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सेल। तो आई होप कि आपको गूगल शीट जरूर पसंद आएगी, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर मान लीजिए आप ये कलर बदलना चाहते हैं, ये जो आउटलाइन कलर हुआ है हर एक सेल में, आप इस कलर को बदलना चाहते हैं, तो आपको कहां जाना चाहिए, यहां पर आइए और यहां से देखिए ये रेड किया गया। तो जो भी कलर आप लेना चाहें, जैसे मान लीजिए ये कलर लेना चाहें, कोई भी कलर लेना चाहें, वो कलर ये ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, ठीक है। पूरा सेलेक्ट रहना चाहिए और ये कलर में इसे बदल देगा, परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो पूरा ही कलर ये ऑटोमेटिक चेंज हो सकता है यहां से जाके, देखिए यहां पर जाइए और यहां से आप चेंज कर लीजिए पूरा, ठीक है। ये ऑल बॉर्डर है, देखिए चेंज हो गया। तो ये पूरा कलर आप बदल सकते हैं चाहे तो, ठीक है, और चाहे तो जितना सेलेक्ट रखेंगे उतना बदलेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज गूगल शीट में आपको मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे ये तो जरूर क्लियर हो गया होगा, और भी तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।